हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज ये हम बात करेंगे। दो सोल हमारे सामने दिख रहे हैं आपको, दो शू हैं मेरे पास, ठीक है। एक का सोल इवा है और एक का जो है फाइलोन सोल है। आप समझ ही गए, ये फाइलोन सोल है और ये जो है इवा सोल है। तो एक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है इवा सोल में, कि इवा सोल बहुत जल्दी स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी इन द सेंस कि जब आप उसको थोड़े टाइम तक यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के बाद वो जो है कुछ इस तरह का स्लिपरी है। जैसे आप चलते हैं, अगर आपको गीली जगह पे चलना है या फिर जो चिकनी टाइल्स पे चलना है, यूँ समझ लीजिए, तो ये जो सोल है इवा सोल, ये जो है स्लिप मारता है, ठीक है। क्योंकि ये वन सिंगल मटेरियल जो है इवा है ना, सिंगल मटेरियल इवा में थोड़े टाइम बाद जो है ये जो है घिस जाता है। और घिसने के बाद में जो है क्या प्रॉब्लम आती है, अक्सर जो है पैर स्लिप होते हैं लोगों के, और ज़्यादातर मतलब 99.9% इवा सोल में ये प्रॉब्लम आती ही है, ठीक है। हाँ, हालांकि ये अनब्रेकेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बहुत लाइट वेट होते हैं, लेकिन इसमें ये एक बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये स्लिपरी हो जाते हैं। वहीं फाइलोन सोल में क्या होता है, दोनों में आप डिफरेंस ये देख सकते हैं कि ये ग्रिप्ड रहता है, ठीक है। इसमें जो है रबर की या सिलिकॉन की जो है ग्रिप इस पे लगी रहती है, रबर ग्रिप, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इतना स्लिपरी नहीं होता है, ये ग्रिपी होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इस टाइप से जो है इसमें ग्रिप बनी हुई है ना। और ये आपको जो यूज़ करने के बाद भी, इवन जैसे 1 साल या फिर 2 साल भी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद भी जो ये इतना स्लिपरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इस पे जो है ग्रिप लगी रहती है और हाई क्वालिटी जो है इसका जो है रबर होता है ऊपर का, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत भी हम ये समझ सकते हैं ना, इसकी ज़रूरत भी क्यों पड़ी थी, क्योंकि ये जो है ईवा मटेरियल, ये धीरे धीरे करके जो है जैसे जैसे यूज़ में आ रहा था वैसे वैसे स्लिपरी हो रहा था। स्लिपरी होने के बाद साथ साथ ही ये जो है यहाँ से एक टाइम के बाद में जो है थोड़ा जो है कंप्रेस हो जाता है, मतलब यहाँ से जो है पूरा दब जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। पतला होने के बाद में फिर यहाँ पे जो है इसको होल बनते हैं। आप देखिएगा अक्सर ईवा सोल के शूज़ में जो है यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यहाँ और एक यहाँ है ना, पैर में जो है 2 पॉइंट रहते हैं। एक तो ये जगह जहाँ से हम जो है, तो दो जो प्रेशर पॉइंट रहते हैं, एक ये वाला और एक ये जो हील वाला होता है ना, इसमें अक्सर जो है यही प्रॉब्लम। और इस जगह पे जो है प्रेशर पड़ने की वजह से जो है यहाँ यहाँ जो है ये दबता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ग्रिप से लेस नहीं होता है। और जो है ये जो है धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, और आप जैसे ये शू है मेरे पास में, तो आप देख ही सकते हैं ये जो है काफ़ी स्लिपरी हो गया है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से आपको जो है देख देख सकते हैं डैमेज होना शुरू हुआ है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा इसको जो है हिला के, ये थोड़ा मोड़ के बताता हूँ, ये देखिए यहाँ से जो है धीरे 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 जो है डैमेज हो रहा है ना, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये स्लिपरी हो गया है पूरा, ये घिसा जाता है, क्योंकि ईवा जो है मटेरियल जल्दी घिसता है, ठीक है। और वहीं जो है ये फाइलोन है, फाइलोन में क्योंकि ग्रिप रहता है, ठीक है, और थोड़ा सा क्योंकि क्या होता है दोनों में एक जो एक सिमिलैरिटी वो ये है कि लगभग जो है दोनों दिखने में सेम रहते हैं। आप देखिए है ना, देखने में ऐसे किसी को जो है पता नहीं चलता है कि भाई दोनों में जो है क्या डिफरेंस होगा। अक्सर हम जब दुकानदार के पास जाते हैं जूते खरीदने, तो हमको जो दोनों ऑप्शन रख देते हैं वो इस तरीके से कि भाई ये जो है दोनों शू है, दोनों शू आपके सामने रखे हैं, ठीक है। क्योंकि ये लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने की वजह से हम कई बार जो है ये प्रेफर कर लेते हैं कि हाँ हम तो ये वाला जो है शू ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम ये ले लेते हैं। लेकिन जो है हमें ये जो है अवॉइड करना है जब भी हम खरीदी करेंगे, ठीक है, तो ये जो है अवॉइड करना है। अगर सिंगल पीस ईवा सोल है, ठीक है, जिसमें एडिशनल इसमें जो है ग्रिप वगैरह कुछ भी नहीं है, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद जो है बहुत स्लिपरी हो जाएगा। स्लिपरी होने के साथ साथ फिर ये ज़्यादा आप जो है चिकनी जगह पर, ये ऐसी स्मूथ सरफेस पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। वहीं जो फाइलॉन और इस टाइप से जो ग्रिप वाले जो सोल आते हैं उनको आप प्रेफर करें, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर रनिंग में भी आपको यही यूज़ होते हैं, वॉकिंग में, डेली यूज़ में, और ज़्यादा लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग लास्टिंग जो है ये शू होते हैं, ये जो है फाइलॉन के जो शू होते हैं वो, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगा कि भाई आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए,
उम्मीद है आपको जो इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जब भी आप खरीदी करने जाएं ये डिफरेंस जरूर नोटिस करें, क्योंकि ऊपर से जो है डिज़ाइन दिखने में और सब चीज़ होने में आपको जो है ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा फील नहीं होगा कि भाई ऊपर से जो है सब चीज़ अच्छी दिखती है, दोनों कॉमन चीज़ रहती है ना। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये ऊपर है, ठीक है, इसका जो है दोनों बिल्कुल सेम और बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहे हैं, लेकिन जो है मेन जो है नीचे रहती है प्रॉब्लम, ठीक है। बेस जो रहता है जूते का वो अच्छा होना चाहिए, तो ही जूता जो है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और सर्वाइव कर पाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।